तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूएसबी केबल से मोबाइल को ओल्ड टीवी में कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो गैस हमारे पास कई सारे जो डब्बा टीवी होता है, तो आपको डब्बा टीवी में यूएसबी केबल से मोबाइल को कनेक्ट करके उसमें चलाना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कर सकते हो। तो गैस जो जितना प्रोसेस है, तो सभी प्रोसेस आज के वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो डब्बा टीवी है वही आपको ऑन कर देना है। तो गैस इस हमारा जो पुराना टीवी होता है, जो आप सीआरटी टीवी बोलते हैं, वही हमारा डब्बा टीवी है। तो उसमें मैं मोबाइल को कनेक्ट करना है, वो भी यूएसबी केबल से। मोबाइल की पूरी स्क्रीन है, वही हमें टीवी में देखना है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा टीवी है वही हमने ले लिया है, और इसे हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है। तो आपको किसी भी मोबाइल है वही आपको डब्बा टीवी में आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको लाइव करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखते रहना। तो आप इस स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा जो मोबाइल है, तो यहाँ से आपको एक मोबाइल लेना है और आपका जो डब्बा टीवी है वही आपको ऑन कर देना है। और ऑन करके आपको यहाँ पर एक आपको एडेप्टर लेना है, जो आपको HDMI 2 AV है वही आपको एडेप्टर को लेना है। और उसमें तीन पिन आता है, जो आपको सेटअप बॉक्स में पिन को लगाते हैं जो टीवी से, तो वही आपको टीवी में कनेक्ट कर देना है। तो आपको इस तरह तीन पिन होता है, वही आपको इस तरह HDMI 2 AV में लगाना है, और इसे तीन पिन आपको टीवी में कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करके आपको जो HDMI 2 USB केबल आता है वही आपको केबल लेना है। तो चले यहाँ से हमने जो केबल है वही हमने ले लिया है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा जो HDMI 2 USB केबल आता है वही आपको USB केबल को लेना है, और आपको मिनी HDMI 2 AV है तो उसमें आपको लगाना है। तो चले यहाँ से मैं लगा देता हूँ। तो आपको इस तरह जो HDMI केबल है वही आपको यहाँ पे लगाना है, और दूसरा जो पावर देने के लिए आपको USB केबल है वही आपको चार्जिंग में लगाना है। तो चले आपका जो मोबाइल का चार्ज होता है तो उसमें आपको लगाना है, क्योंकि पावर देने के लिए इसे केबल आपको यहाँ पे लगा के जो आपको उसमें लाइट के प्लग में अटैच कर देना है। तो चले यहाँ से मैं लगा देता हूँ। तो आपको इस तरह लगाना है, और आपका जो पिन है USB केबल है वही आपको मोबाइल में कनेक्ट करना है। लेकिन चले मैं सबसे पहले जो हमारा पुराना टीवी है, डब्बा टीवी है, वही मैं ऑन कर देता हूँ। तो आपको इस तरह टीवी को ऑन कर देना है। तो चले हमारा सही से यहाँ पे टीवी है वही हमारा ऑन हो गया है। तो चले उसमें जो स्क्रीन है वही हमारा अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग है इसीलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको टीवी में जो कनेक्ट करते हैं तो इसी तरह आपको स्क्रीन दिखने को नहीं मिलता। तो चले हमारा सही से आपको टीवी में जो AV आता है वही आपको AV को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आपको USB केबल है वही आपको मोबाइल में कनेक्ट कर देना है। तो चले यहाँ से हमारा जो मोबाइल में पासवर्ड को मैंने ओपन कर दिया है, और उसमें जो केबल है वही मैं मोबाइल में कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह कनेक्ट कर देना है, और आपको उसमें ट्रांसफ़र फाइल का ऑप्शन भी दिखने को मिल जाता है, तो वही आपको सिलेक्ट करना है। तो चले यहाँ से जो ट्रांसफ़र फाइल है वही यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह सिलेक्ट कर देना है, और आपको ओके पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल की स्क्रीन है वही आपका पुराना टीवी है, डब्बा टीवी है, तो उसमें आपको दिखने को मिल जाता है। तो इसी तरह आपको आसान रखे पुराना किसी भी टीवी है तो उसमें आपको USB केबल से मोबाइल को कनेक्ट करना है, तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पूरा जो पूरे मोबाइल की स्क्रीन है वही हमें ओल्ड टीवी में देखने को मिल रहा है। तो आपको किसी भी यूट्यूब को चलाना है, किसी भी फोटो वीडियो देखना है, तो आपको आसान तरीके यहाँ पे देख सकते हो। तो चले यहाँ से हमने यूट्यूब को ओपन कर दिया है। तो चल मैं दूसरा यहाँ पर वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा वीडियो है वही हमने सही से प्ले कर दिया है। तो आपको इस तरह वीडियो को प्ले कर देना है। तो सही से हमारा जो वीडियो है यहाँ पे चलने लग रहा है। तो आपका जो इंटरनेट की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है।
तो चलें वेट करते हैं, उसमें ऐड भी आ गया है तो आपको यहाँ पे वेट कर देना है। तो चलें वेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऐड है यहाँ से हमने स्किप कर दिया है, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से हमारा जो फुल स्क्रीन में वीडियो है वही हमारा पुराने टीवी में चल रहा है। तो इसी तरह आपको आसान तरीके यहाँ पे जो ओल्ड टीवी में मोबाइल को यूएसबी केबल से कनेक्ट करना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से मोबाइल की स्क्रीन है वही हमारा डब्बा टीवी में चल रहा है। तो इसी तरह आपको आसान तरीके किसी भी फोटो वीडियो देखना है, गेम खेलना है, तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ से हमने प्ले स्टोर को ओपन कर दिया तो सही से हमारा प्ले स्टोर भी ओपन हो गया है। तो सही से हमने जो भी प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव करके बता दिया है कि मोबाइल को ओल्ड टीवी में यानी कि CRTV में कैसे कनेक्ट करना है और मोबाइल को कैसे चलाना है। तो चलिए यहाँ से हमें USB केबल है वही मैं मोबाइल से हटा देता हूँ, तो यहाँ से हमारा डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से मैं डिसकनेक्ट पे क्लिक करता हूँ यानी कि केबल को हटा देता हूँ तो मोबाइल की स्क्रीन है यहाँ पे हमारा हट जाएगा। तो गाइस इसी तरह आपको किसी भी पुराना डब्बा टीवी है तो उसमें मोबाइल को कनेक्ट करके चलाना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे चला सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चल मिलते नेक्स्ट वीडियो में।